डॉक्टर बना है और गाय का बच्चा भी बीमार है। हिम बच्चे को चेक करने लगता है और चेक करने के बाद उन्हें भुट्टा खिलाता है, इससे वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सुमर भाई, अगर आप भी कुछ इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो तो मेरे आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो। और प्रीव्यू भी आप देख रहे हो कि ये वीडियो भाई डीएनए के टैग ने शायद ये बनाई हुई है। तो कुछ इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब पर ही लेकर चलता हूँ इन वीडियो से। जो ये भीम वाली वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपने सब्सक्राइबर का ही दिखा देता हूँ। वो हमारे सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्रिएटर भी हैं। तो मैं उनका चैनल खोल के दिखाता हूँ कि उन्होंने भी इस टॉपिक पर वर्क किया, थोड़ी सी वीडियो डाली हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो उनके चैनल का नेम है जे एन राज फैक्ट। तो सर्च कर लेते हैं यहाँ पर जे एन राज फैक्ट 2। ये भाई ये नहीं है भाई, हमको 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा और आर आ गया वहाँ पे। अभी मैं सर्च करके दिखाता हूँ वीडियो। यार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको यार यकीन हो जाएगी कितनी ज़्यादा अच्छी जा रही है। ये देखो इनकी पुरानी ये अब की वीडियो हैं, ये फैक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाती हैं। जो भीम की वीडियो नहीं है, जो नॉर्मली वीडियो हैं उन पर देखो 3000, 4000, 3100, 3500 व्यूज़ इन पर 4000, 4500 तक हैं। लेकिन मोस्ट पॉपुलर में जाओगे तो आपको कुछ इस तरह की वीडियो देखने को मिल जाएंगी भीम वाली, जिस पर 25000, 23000, 20000 और 14000-15000 ऐसे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक और चलो मैं आपको एक और प्रीव्यू दिखाता हूँ। उनका नाम है भाई फैक्ट अरुण। उन्होंने भी हमारे चैनल पर कमेंट किया था 1K सब्सक्राइबर कॉन्ग्रेचुलेसन के लिए। ये रहा उनका चैनल, शायद ये नहीं है फैक्ट अरुण टैग किया तो हमने किसी गेमर का चैनल यहाँ पे खोल लिया है। ये नहीं है, बाहर आते हैं, नीचे होगा कहीं। हाँ देखो ये रहा, इस पर करीब इनके देखो कितने हैं, 10100+ सब्सक्राइबर हैं और यही इनका चैनल है। चलो हम दिखा देते हैं इनकी शॉर्ट सेक्शन में जाके, यहाँ पे शॉर्ट सेक्शन में जाके हम यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर पे जैसे ही आएंगे तो भाई 6 लाख 7 लाख शायद व्यूज़ हैं इस पर, आप देख ही सकते हैं। देखो इस पर कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं और एक इनकी नॉर्मल वीडियो है उस पर कम व्यूज़ हैं। लेकिन जो भीम वाली वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो कुछ इस तरह की वीडियो आज हम बनाएंगे। पहले यार मैं प्रीव्यू आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको कि वीडियो कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। अब लास्ट बार आपको एक चैनल और दिखा देते हैं, प्लीज़ स्किप मत करना। डी एन का फैक्ट भाई इन्होंने ही सबसे पहले इस पर वीडियो बनाई है और ये लगभग 8th क्लास में पढ़ते हैं, छोटे से बच्चे हैं। देखो इनके चैनल पर व्यूज़ देखो 17 मिलियन, 14 मिलियन, 11 मिलियन, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं। तो बिल्कुल जैसी भाई डीएन का टैग वीडियो बनाते हैं ना, ऐसी ही वीडियो आपको बताने वाले हैं और वायरल कैसी होंगी वो भी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, देखो कितने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं इस पर। चलो तो भाई अब हमको ट्यूटोरियल बनाना है इसका कि ये वीडियो कैसे एडिट होती हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलो मेरे भाई वहाँ पर करते हैं हम शुरू। यहाँ पर भाई सर्च करके सबसे पहले आपको ये भीम वाली वीडियो चाहिए होंगी तो आपको यूट्यूब पर आना है और माइटी लिटिल भीम सर्च कर देना है। यहाँ पर काफ़ी सारे एपिसोड आपके सामने देखने को मिल जाएंगे मेरे भाई, काफ़ी सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। और वीडियो डाउनलोड तो आपको करनी आती है, यहाँ से वीडमेट पर शेयर करके वीडियो को डाउनलोड कर लेना। वीडियो डाउनलोड करनी तो आपको आती होंगी, यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो हैं जो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है कि हमको ट्यूटोरियल बनाना है, मैंने इनमें से ही शायद एक वीडियो डाउनलोड की हुई है। चलो तो हम लेके चलते हैं आपको काइन मास्टर की स्क्रीन पर। काइन मास्टर की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले मैं पुराना वाला काइन मास्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हमको ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, हमको रेशियो सेलेक्ट करना है 9.16:1, 1.1। चलो तो हम यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करते हैं भाई, हम यहाँ पे 1.1:1 का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी इसको सेलेक्ट कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है मेथड। अब हमको क्या करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो नहीं होगा। मीडिया पर क्लिक करने के बाद हमको बैकग्राउंड पर जाना है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखो काफ़ी ज़्यादा ईजी और बहुत ही अच्छी होने वाली है वीडियो। अब यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है मेरे भाई। अब इस बैकग्राउंड की लेंथ आपको बढ़ा देनी है, बैकग्राउंड की लेंथ आपको उतनी बढ़ानी है जितने सेकंड का आप वीडियो बनाएं। तो भाई एक 59 शायद 60 सेकंड का शॉर्ट रहता है शॉर्ट वीडियो, तो आप 60 सेकंड का या जितना भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है। अब देखो यार स्टेप बाय स्टेप मैं ये बताता हूँ इसलिए बताता हूँ कि बंदे कहते हैं भाई खुद ही खुद बनाया जा रहा है, हमें क्या सिखा रहा है, खुद ही बना रहा है वीडियो, हमें क्या पता चला ऐसे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो अब हमको वीडियो को थोड़ा जूम करना है, नेटफ्लिक्स वाला सेक्शन जो है हमको यहाँ से काट देना है थोड़ा सा। और अब देखो यहाँ पे फाइनली इतना जो है वो हमारा बन चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसकी लेंथ जो आप रखना चाहे वो रख सकते हैं वीडियो की। अब हमको लेयर पर क्लिक करना है,
और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा भाई भाई मीडिया का ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा। मीडिया पर जाना है और यहाँ से फिर से एक रेड कलर को हमें यहाँ पे बैकग्राउंड करके सिलेक्ट कर लेना है, लेयर पे जाके यही करना है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो, काफ़ी ज़्यादा इजी है। अब आपको ये एक यहाँ पे एरो दिखेगा, इसको पूरा इंक्रीज कर देना है। भाई अब बोलोगे रेड रेड कैसे कर दी, अब रेड रेड नहीं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एडजस्ट करना है आपको भी। तो जैसे ये एडजस्ट हो जाएगा, अब हमको क्या करना है भाई, फाइनली ये तो अपना एडजस्ट हो चुका है बिल्कुल शुरू तक। अब हमको करना है भाई टेक्स्ट, ये जो देखो आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना है ताकि बंदे को क्रिएटिव लगे और बंदा भाई क्लिक करने के लिए जो है ना भाई बेताब हो जाए, क्लिक कर ही दे। तो हम कुछ ऐसे ही इस पर सस्पेंस टाइप लिखेंगे, भीम ने ऐसा क्यों किया, हम ये ऐसे लिखेंगे तो बंदा भाई सोचता है भाई क्या किया, चलो टैप करके देख ही लेते हैं। और वीडियो पर वो वॉच और वो वीडियो को ओपन करके वॉच करने ही लगता है मेरे भाई। तो अब हमको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारे यहाँ पर काइन मास्टर के ऑलरेडी टेक्स्ट हैं, तो जो सा आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैंने कुछ ये वाला सिलेक्ट कर लिया है। अब देखो मैंने ये इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ मेरे भाई, आपको भी कुछ इस तरह ही एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है इन दोनों लेयर को भाई, जहाँ तक कि हमारी वीडियो है वहाँ तक हमको एडजस्ट करना है। जितनी बड़ी हमारी वीडियो है हमको इतना बड़ा ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ये पीली वाली डॉट जो है इसको कुछ इस तरीके से खींच देना है और नीचे वाली जो है भाई कलर वाली उसको भी बिल्कुल लास्ट तक आपको कर देना है मेरे भाई, जहाँ तक हमने ये वाली वीडियो की है। अब फाइनल देखो वीडियो बन के हो चुकी है तैयार। अब आपको इस पे ऑडियो लगानी है मेरे भाई, तो ऑडियो लगानी तो आपको आती होगी मेरे भाई, तो इसकी ऑडियो हमको साइलेंट कर देनी है। जो वीडियो हमने डाउनलोड की है उसकी ऑडियो हमको साइलेंट कर देनी है, बिल्कुल साइलेंट जब भी हमारी ऑडियो इस पे लगेगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी मेरे भाई। चलो देखो इतना तो काम अपना हो चुका है, अब हमको क्या करना है, हमको इस पे अपनी वॉइस कैसे लगाते हैं वो भी बता देता हूँ मेरे भाई। यहाँ पे एक वॉइस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा भाई, ये रहा वॉइस ओवर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इस पर क्लिक जैसे आप करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे ना तो आपकी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। ये भाई बीच में से होगी रिकॉर्डिंग, जरा मैं काट के दोबारा करता हूँ, बीच में से होगी। अब देखो यहाँ से शुरू से आप ऑडियो जो मैं बोल रहा हूँ भाई ये तो वही रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आपको ऑडियो को लगानी है भीम वाले उस पर जो लगानी है आपको वीडियो सॉरी वीडियो पर जो ऑडियो लगानी है वो यहाँ पे आपकी लगती चली जाएगी और आप उसको भाई जैसे ही स्टॉप करोगे तो ऑडियो लग जाएगी। और आपको इस ऑडियो वाली लेयर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, ये वाली जो लेयर है देखो इस वाली लेयर पर आपको क्लिक करना है और जैसे DNA के टैग बना दें ना वीडियो, कुछ इस तरह की वॉइस आपकी भी हो जाएगी। पहले तो इसको फुल कर देना है ताकि यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इसको फुल करना है और ये होता है भाई पिच का ऑप्शन। पिच का मतलब भाई ये होता है आपकी आवाज़ जो है ना वो पतली हो जाती है, एक बच्चे टाइप हो जाती है। अगर आप फुल हाई पिच रखते हो ना -6 तो आपकी एक बच्चे टाइप की आवाज़ होता हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। तो आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। और यहाँ पे इस शेर वाले मेरे में तो भाई पुराना काइन मास्टर है तो शेर वाले ऑप्शन से ही एक्सपर्ट होगा, लेकिन आप जोन से रखना चाहें उससे एक्सपर्ट कर सकते हैं। फाइनली मेरे को वीडियो यहाँ पे बंद कर चुके तैयार, हमको वीडियो नहीं बनानी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक यार जरूर से।